Good morning. Good morning, Sarpa ji. How are you? Fine, thank you. How about you? I'm good, thanks. Yes, कार पंच करा दिया है, मेरी अटेंडेंस दर्ज हो गई है कि मैं खाना खाने आया था. पिछले दो दिन से मैं ये खाना खा रहा हूँ, इंडियन वाला. रायता, नारियल की चटनी, मसाला उत्तपम, डोसा. डोसा यहाँ पहले से बना रहता है. ये है सांभर, दाल मखनी, जाजानन पासार. ट्रेडिशनल स्वीट है ये, इसको ट्राई करना चाहिए मुझे. अरे ये पिसांग गोरांग मुझे खाना है आज, ये मैंने खाया था. फ्राइड बनानास. इधर हैं फ्रेश फ्रूट जूस, नाना प्रकार की चीज़ें हैं जनाब. व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ ब्रेकफास्ट हियर? एट व्हाट टाइम इट स्टार्ट्स? वी स्टार्ट एट 6:30 एंड फिनिश एट 10:30. 6:30 to 10:30. थैंक यू फ्रेश. 6:30 से लेकर 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइम है अनवाया बीच रिजॉर्ट में. आप चाहें तो वहाँ बाहर बैठ के भी खा सकते हैं. पहले दिन मैंने बाहर बैठ के खाया था. समुद्र देखते हुए आप आराम से अपने नाश्ते का मज़ा ले सकते हैं. ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ आ गया था और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सोचा कि अपने रूम में जाके सोऊंगा कुछ देर. 9 बजे हमको असेंबल होना था, 8:50 हो रहे हैं. 8:30 मैं यहाँ आ गया था और अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया. रूम से ज़्यादा कंफर्ट मुझे यहाँ मिल रहा है, कोई नहीं है आसपास और मैं आराम से रिक्लाइन होके यहाँ आराम से लेटा हुआ हूँ. इतना सुंदर एहसास है, हवा प्यारी प्यारी सी, शांति, लहरों का शोर, समुद्र इतना अच्छा लग रहा है, साफ पानी है, नीला आसमान. बाली आइए, रिलैक्स कीजिए. एक दिन हमारा थोड़ा सा शेड्यूल अब फील हो रहा है कि थोड़ा सा टाइट है. इस समुद्र के आसपास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे बीचेस हैं. ज़रूरी नहीं कि कोई प्राइवेट होटल, कोई प्राइवेट बीच हो. आप ऐसे किसी पब्लिक बीच पर भी ऐसे किसी रिक्लाइनर्स पर ऐसे ही आराम फरमा सकते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, वाटर स्पोर्ट करना है, मसाज करनी है, जो भी. बाजार जाएंगे तो आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है. बट अच्छी बात ये लोग इंसिस्ट नहीं करते हैं. एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही काफ़ी सारे लोगों ने पूछा टैक्सी चाहिए क्या, वगैरह वगैरह. होटल इंसिस्ट किसी ने नहीं किया. जैसे हमारे यहाँ स्टेशन के बाहर नहीं पकड़ लेते हैं लोगों को, धक्का मुक्के तक करते हैं. बड़ी गलत चीज़ है ये, टूरिस्ट के साथ में इस तरीके से नहीं होना चाहिए. सुबह के 9:45 बज रहे हैं, 9:40 और ब्रेकफास्ट करने के बाद, अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं बाली ऑर्किड स्पा. तो अगर आप बाली आते हैं, एक्चुअली पूरे इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्पा और मसाज बहुत फेमस है. थाई मसाज आपने कई बार सुना ही होगा. बाली में भी यहाँ के टिपिकल ट्रेडिशनल मसाज और स्पा बहुत फेमस है. तो आज हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे स्पा और मसाज को. 2 घंटे के लिए, 1 घंटे की मसाज है और 1 घंटे का स्पा है. यहाँ के मंदिर, बाली के 85% लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं. उसके बावजूद इनकी जो प्रैक्टिसिंग, इनका जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इनके मंदिरों में यूजुअली मूर्ति नहीं रखी होती है, खाली होती है और ये उसी की पूजा करते हैं. ये रूम्स हैं जहाँ पर अभी स्पा और मसाज होने वाली है. सिंगल और डबल के हिसाब से चार्जेस हैं. बेसिकली मैं आपको पैकेजेस के रेट बता देता हूँ यहाँ पर क्या है. जैसे ये जो बाली ऑर्किड स्पा है, यहाँ इन्होंने हमें जो रेट्स बताए थे, ये पैकेज मेन्यू है. $70, $75, $75, $75, $90 और $110. बेसिकली पैकेजेस का जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है ये क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ द योर थेरेपी. जैसे ये 2 घंटे का है, जो $110 का है वो 3 घंटे का है. उसमें प्रोडक्ट्स वो लोग कुछ और यूज़ करते हैं. जो $70 वाला है, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ, उसमें ये लोग कुछ और तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे और सिर्फ 2 घंटे की है. इसके अलावा आप चाहें तो सिंगल रूम भी ले सकते हैं या आप डबल, मतलब आप 2 लोग भी एक साथ मसाज करा सकते हैं. बाली व्यू या there is this the airport. Yeah, airport. Yeah, the white color. Oh yes, I can see the aircraft, Air Asia.
Can you see that AirAsia? AirAsia. Yes, AirAsia, red color. Oh, yeah, 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 yeah. AirAsia. Mm-hmm. उस तरफ है नूसा पेनिदा यानी आइलैंड. नूसा मतलब नूसा इज आइलैंड. ओके, वहाँ पर वो आइलैंड है नूसा पेनिदा जहाँ हम लोग कल गए थे. ये सारा बाली है. उधर है नूसा दुआ, उधर एयरपोर्ट है. एंड वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? गारुडा विष्णु कंचाना कल्चरल सेंटर. या कल्चर सेंटर. ओके, गरुड़ा विष्णु कंचाना कल्चरल सेंटर है इस जगह का नाम. और ये है एक रेस्टोरेंट. क्या नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? जंडेला बाली रेस्टोरेंट. व्हाट इज इट? जंडेला बाली रेस्टोरेंट. जंडेला बाली. यस, थैंक यू वेरी मच. ये है जंडेला बाली रेस्टोरेंट. ये लोकेटेड है GWK कल्चरल सेंटर में. दुनिया का जो सबसे ऊंचा स्टैचू बनने जा रहा है GWK कल्चरल सेंटर यहाँ बाली में, वो देखने के लिए आए थे. यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर आप कुछ सुवीनियर्स खरीद सकते हैं. मैं सोच रहा था पता नहीं मेरे को वक्त मिल पाएगा या नहीं सुवीनियर्स खरीदने के लिए, बट मिल गया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खरीदी हैं. तो अगर आप भी यहाँ आते हैं बाली में तो यहाँ GWK कल्चरल सेंटर से शॉपिंग कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं. और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पर मैं अपने कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ. मैं अपना एक्सिस बैंक वाला डेबिट कार्ड यहाँ पर स्वाइप कर रहा हूँ. मैंने अभी तक इंडोनेशियन रुपया निकाला ही नहीं था, विड्रॉ नहीं किया था, एक्सचेंज नहीं कराया था. मैं कल यहाँ से वापस जा रहा हूँ इंडिया और आज मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. फिलहाल मैं ज़रा पिन एंटर कर रहा हूँ. अब देखना ये है कि क्या वाकई में मुझे रशिया की तरह ये सस्ता पड़ेगा या नहीं. 333,000 रुपया मैंने पे किया है सुवीनियर के लिए जो बैठता है 1597 रुपीज़ के. अब देखना ये है मेरा कितना पैसा कटा है मेरे अकाउंट से. जैसे भी कटेगा आपको बताता हूँ. त्रिमकासी. बाय. श्योर श्योर. या या आई कम हियर. या या थैंक्स अ लॉट. यू पीपल आर सो नाइस. दिस इज योर्स. ऑलराइट. बाय बाय. मेरे ख्याल से SMS तो आ ही गया होगा. अरे वाह, 1597 ही कटा है, ज़्यादा नहीं कटा. अब हम पहुंच गए हैं उलुवाटू और यहाँ पर जो एंट्री टिकट है वो है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया की. थैंक यू वेरी मच. और अब हम जा रहे हैं उलुवाटू. उलुवाटू बेसिकली एक मंदिर है और यहाँ पर हमारे जनाब देवा बता रहे थे बार 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 कि यहाँ मंदिर, ओ बंदर बहुत सारे हैं. और यस, नाम लिया और सामने तो जनाब बंदरों से सावधान. मुझे सिर्फ एक ही डर लग रहा है अपने कैमरा का. यहाँ पर वैसे जनाब देवा बता रहे थे कि बंदर भगाने वाले एक आदमी है, जैसे हमारे राजपथ पे वो कौन सी रायसेना हिल्स में होते हैं ना लंगूर भगाने वाले, वैसे यहाँ पर भी हैं जो भगाने के लिए रहते हैं. तो इसीलिए, और अगर आप ग्रुप में हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, 4-5 लोग साथ में चलेंगे तो बंदर ज़्यादा तंग नहीं करेंगे. हाय है ताशा. अरे एक बात बताना भूल गया, हमारी वेशभूषा चेक कीजिए ज़रा. वेशभूषा तो ये शायद क्योंकि मंदिर है इस वजह से हम सभी को ये पहनाया गया है. लेडीज हो या जेंट्स, आपको बाहर ही दे दिया जाता है. अच्छी खासी जनता बैठी हुई है यहाँ पर, मज़ा आएगा देखने में. जनाब यहाँ पर एक ट्रेडिशनल डांस देखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं. 1,00,000 रुपया टिकट इसको देखने का.
छः से सात बजे तक ये चलेगा परफॉर्मेंस। क्या गजब का परफॉर्मेंस था वो, वाकई बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर थे, और खास बात की जैसी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई मुझे दो दोस्त मिले, सब्सक्राइबर्स दोस्त, जनाब है सौरभ शर्मा, सौरभ मोनिका शुक्ला, शीज मोनिका, और जनाब है सौरभ। आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा, तीन चार दिन के लिए बाहरी ट्रिप पर आए हुए हैं, वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू, चलिए चलिए ना खाते हैं ना आइसक्रीम खाते हैं आज। उलुवातु की शानदार और जानदार परफॉर्मेंस देखने के बाद, ये रामायण से जुड़ी हुई थी, हम लोग बाहर आ गए हैं, और अपना सारांग सारांग देना मत भूलिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच, त्रिमकासी, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलकर। दो सब्सक्राइबर्स थे, मोनिका और जनाब। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई फिल्म अभी भी ख़त्म हुई है और हम सारे बाहर जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जनता है जनता। मज़े लीजिए जनाब ज़िंदगी के, ऐसे ही
भाग दौड़ तो सब करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं सुबह 9 से 5 तक, हर कोई करता है। आधा दिन निकाल कर देखिए, अच्छा लगेगा।